नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे ब्रह्म राक्षस की जो साधना है उसके बारे में। ठीक है, जो आजकल जो है ब्रह्म राक्षस के निवास के स्थान प्राय मैदानी क्षेत्रों में समाप्त प्राय है दोस्तों, और जंगली क्षेत्र पहाड़ों घाटियों नदी तट और शमशानों के समीप के जो पीपल के वृक्ष होते हैं, अब ब्रह्म राक्षस वहाँ पर पाए जाते हैं। वह भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, बड़े प्रयास से खोजे जाने पर ही ऐसे राक्षस जो है ब्रह्म राक्षस जो है मिल पाते हैं। ठीक है, जो साधना की अभिलाषित हैं वह सहायता कर सकता है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस की साधना दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो वे मंत्र तंत्र से जानने वाले दुराचारी क्रोधी या पापी ब्राह्मण जो मर कर मुक्त नहीं होते या जिनकी सदगति नहीं होती। ठीक है, और जो ब्रह्म राक्षस दूसरे प्रकार के होते हैं वह उन्हें सिद्धि किया जाता है। ठीक है, अथवा जो कोई स्वजन ब्राह्मणों का मरे उसकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं करके प्रेत की रह करके उसे सिद्ध कर लिया जाता है, उसी यह दूसरे प्रकार के जो है ब्रह्म राक्षस होते हैं। जो ब्रह्म राक्षस होता है इसका प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो यह सुन लीजिए प्रक्रिया क्या है। तो ब्रह्म राक्षस की सिद्धि दोनों ही प्रकार से लगभग समान होती है दोस्तों, और स्वयजन ब्रह्म राक्षस की सिद्धि के लिए 40 दिन तक भैंसे का चमड़ा एवं स्वयं मतलब एक स्वयं पहनना है आपको, और एक उसे दे तथा तीनों काल की संध्या के समय जहाँ पर उसके लिए प्रेत क्रिया होनी थी उसी पीपल वृक्ष के नीचे उसकी छैया मतलब सैया बिछावन यानी जैसे कि खाट हो गए। ठीक है, और वस्तु में अंडा पानी मतलब क्या होता है जूता चप्पल जो है उसके लिए, ठीक है, उसे रख करके उसके लिए वहीं पर बनाकर भोजन देना है और स्नान पानी धूप देना है और नए वस्त्र देना है और उसका ध्यान करके उससे प्रार्थना करें कि मेरे लिए तमस रूप में सिद्ध हो जाइए। ठीक है, और साथ ही साथ आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ठीक है, मंत्र है ओम नमो अमुक नाम ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण है। ठीक है, ओम नमो अमुक नाम ब्राह्मण मम सहायार्थ ब्रह्म राक्षस रूपेण ममो परि प्रसन्न भव ममोर्थ वर्ष में काय। ठीक है, यह वर्ष में काय मतलब होता है जो वर्ष की पंचायत या तो जितने वर्ष का हो उतने। ठीक है, एक बार और बता दूं, मंत्र है ओम नमो अमुक नाम ब्राह्मण मम सहायतार्थ। ठीक है, ब्रह्म राक्षस रूपेण मम परि प्रसन्न भव ममार्थे। ठीक है, और लास्ट है वर्ष में काय, यह मंत्र है। जो पहली क्रिया की विधि है उसके मंत्र है। ठीक है, वह सुन लीजिएगा। मंत्र है ब्रह्म राक्षस रूपेण सिद्धो भय सहाय को भय स्वाहा ओम। ठीक है, लास्ट में ओम है। शुरू में ब्रह्म राक्षस रूपेण सिद्धो भय सहाय को भय स्वाहा ओम। ठीक है, इस मंत्र की आपको 11 माला तीनों संध्या में आपको जपते रहना है। ठीक है, और तीनों संध्याओं में धूप देना है, भोजन देना है, भोजन में दाल चावल मिट्टी के पात्र में रखकर मतलब भरकर देना है, और पत्तल में पीने का जल भी मिट्टी के बर्तन में देना है, और रात्रि 12 बजे आपको पुनः ही 1000 जाप करना है और उसके बाद सो जाना है, और प्रातःकाल 4 बजे उठना है और स्नान करके पूजा जप करके भोजन आपको बनाकर देना है। तीनों बार भोजन बनाकर देना है आपको, वहीं खुद भी बचा हुआ हांडी से अलग लेके खाना है आपको। जो भोजन बचता है उसमें हांडी में उसे आपको अलग लेके आपको खाना है। ठीक है, और 40वें दिन ब्रह्म राक्षस स्वयं ही प्रसन्न होकर वर देता है दोस्तों, किंतु उसे वश में करने की ना सोचे, उसकी इच्छा अनुसार ही चले तो सहायता करता रहता है।